तो दोस्तों 29 अप्रैल को इलेक्शन का फोर्थ फेज चालू होगा, जिसमें 71 सीटों पे जो कि 9 अलग अलग स्टेट्स में हैं उन पे पोलिंग होगी यानी वोटिंग होगी। तो दोस्तों पहले 3 फेज़ हो चुके हैं और ये चौथा फेज़ है, और इसमें महाराष्ट्र की 17 सीटों पे, राजस्थान की 13 सीटों पे और उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पे, और वेस्ट बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 6, उड़ीसा की भी 6, बिहार की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पे वोटिंग होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट वोटर हैं तो आपको पोलिंग बूथ में क्या क्या चीज़ें ले जाना अलाउड है, आपको कैसे वोट देना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप फर्स्ट वोटर हैं, या अगर आप दूसरी तीसरी बार भी वोटिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए होंगी। तो मैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। मैं हूँ अंश और आप देख रहे हैं लॉजिकल मेट। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे कि आपको जनरल वोटर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो क्राइटेरिया रहते हैं जनरल वोटर बनने के लिए उसको फिलफिल करना पड़ेगा, यानी आपको एक इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा डिसक्वालीफाइड ना हो। अब बात आती है कि आप एनरोल कैसे करें जनरल वोटर बनने के लिए। तो इसके लिए आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.nvsp.in, जो कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल है। इसमें आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ें भरनी पड़ेगी, जिसमें होगा आपका एज प्रूफ होगा, आपका रेसिडेंस प्रूफ होगा और आपकी फ़ोटो होगी जो कि कलर्ड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें हमें भरनी पड़ेंगी और इसके 1 महीने बाद लगभग आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा, या जो BLA को ऑफिस वाले हैं वो आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अपना होम शिफ्ट कर लिया यानी आपका एड्रेस बदल गया है, तो अगर आप सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे एड्रेस पे गए हैं तो आपको फॉर्म 8A भरना पड़ेगा, जो कि आपको उसी वेबसाइट पे मिलेगा। और जो दूसरा केस आता है वो ये है कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई है तो इसके लिए आपको फॉर्म 6 ही भरना पड़ेगा। अब दोस्तों जो तीसरी बात आती है कि अपना वोट कैसे कास्ट करना है, तो इसका जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप अपना नेम देख लीजिए अपनी वोटर लिस्ट पे, जो कि आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या ERO के ऑफिस में आपको ये वोटर लिस्ट है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें अपना नाम देखिए, क्योंकि सिर्फ वोटर आईडी होने से ही आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना पड़ेगा कि उसमें है कि नहीं। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने पोलिंग बूथ में कोई भी गैजेट नहीं ले जा सकते, यानी कोई सेलफ़ोन नहीं ले जा सकते, ना कोई कैमरा ले जा सकते हैं, गैजेट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कोई भी पोलिंग बूथ में। और अब जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर 1 मिलेगा, जो कि आपका नाम चेक करेगा वोटर लिस्ट में और आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा। आईडी प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं या कोई दूसरा आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं। उसके बाद आप जाओगे पोलिंग ऑफिसर 2 के पास, जो आपकी उंगली पर इंक लगाएगा, यानी आपके फिंगर पे इंक लगाएगा। उसके बाद आपको एक चिट देगा और आपको साइन करने के लिए बोलेगा। और उसके बाद आप जाओगे पोलिंग ऑफिसर 3 के पास, जो आपसे वो चिट लेगा जो कि पोलिंग ऑफिसर 2 ने दी थी, और वो आपकी फिंगर चेक करेगा कि उसमें मार्क है कि नहीं इंक का। अब दोस्तों आप जब EVM पे वोट करने जाओगे तो आपको पार्टी के सिंबल्स दिखेंगे और पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम भी दिखेगा, और आप जो ब्लू कलर की बटन है वो दबा के आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब जो वो ब्लू कलर की बटन है उसके बगल में एक लाइट इंडिकेटर होगा, जो कि अगर आप वोट कास्ट करोगे तो वो जल जाएगा और जो बीप का साउंड वहाँ से सुनाई देगा। तो आपको एक ऑडियो और एक विजुअल मिलेगा जिससे आप पता कर सकते हो आपने किसको वोट करा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने वोट कास्ट करा उसको वेरीफाई कैसे करना है, तो इसके लिए जो वोटिंग मशीन है उसके जस्ट बगल में एक VVPAT लगा होगा, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट विंडो नज़र आएगी जिसमें से एक प्रिंटेड पेपर स्लिप निकलेगी, जिसमें पार्टी का सिंबल, सीरियल नंबर और जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखा आएगा, और ये जो स्लिप है वो 7 सेकंड तक दिखेगी आपको और उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में गिर जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वोट कास्ट करने के बाद इस VVPAT की जो ट्रांसपेरेंट विंडो है उसमें ज़रूर देखिए कि आपने वोट सही से कास्ट करा है कि नहीं।
अब जो दोस्तों आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहला अपना आप नाम चेक कर लीजिए वोटर लिस्ट में, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो ये गारंटी नहीं करता कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट में होगा। तो आप ज़रूर से चेक करिए जो अपना नाम है वोटर लिस्ट में। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इलेक्शन से रिलेटेड, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपका वोटर आईडी नहीं आ पा रहा, आपने फॉर्म फिल कर चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो नहीं आ पा रहा, या आपको वोटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक हेल्पलाइन नंबर है जो है 1950। इस पर आप कॉल करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका वोटर आईडी नहीं आ पा रहा या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर से इस नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर से देंगे। तो अब दोस्तों मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक लिए धन्यवाद।